नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 1 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं वो है दोपहर 12:22 से लेकर 12:46 तक, और अशुभ काल जिसे हम राहु काल भी कहते हैं वो है सुबह 9 से लेकर 10:30 तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन मेष राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ युति योग करने जा रहा है और रवि के साथ केंद्र योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, आज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई होगी। आप जो आपका थोड़ा बीपी है वो भी थोड़ा हाई सब हो सकता है। मतलब आपकी जो भावनाएं हैं वो ज़्यादा तीव्रतम हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर आज आप अपना आपा खो सकते हो, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो ये जो बात है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो ध्यान देना आवश्यक है। अपने आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर काबू रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद की जो राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। व्यय पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो दो तीन बातें उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज के दिन किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर ट्रैवलिंग बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। संपूर्ण दिन आपका स्ट्रेस में बीत सकता है, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित बुध के रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, आज खर्चे वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। उसी प्रकार आज के दिन सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके जो घर के लोगों के उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं, तो आपके मन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ वो काफ़ी अलग हो सकती है। इसी वजह से वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकते हैं। आज आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके आज आप मांगे पूरी करोगे, उनके लिए खर्चे भी कर सकते हो। हालांकि आपको पता भी होगा ये जो खर्चे हैं वो अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन वो आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और वही पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो अगर आप किसी बड़ी योजना के बारे में सोच रहे हो और उसके बारे में काम नहीं हो रहा है, तो आज का जो दिन है और भी उसमें कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकता है, तो ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और आपके सेहत के बारे में भी आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में ऐसे कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। तकरार आगे काफ़ी बढ़ भी सकती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में छोटी मोटी अड़चने वगैरह उभर कर सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है, जिसकी वजह से पूरा जो दिन है वो चिड़चिड़ापन आप महसूस करोगे, स्ट्रेस ज़्यादा महसूस करोगे। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस या टेंशन बना रह सकता है। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो परिस्थितियाँ वो पूर्णतः भिन्नतम हो सकती है। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से डिस्ट्रेस हो सकते हो, स्ट्रेस में जा सकते हो। तो थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखना आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा
युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में सिद्ध रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इजी मनी के पीछे नहीं दौड़ना। अगर आपने इसके पहले इजी मनी के बारे में कुछ सोचा था तो उसके कुछ गलत परिणाम आपके ऊपर का सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ भी सकता है। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उसमें भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार उभर कर सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर सिद्ध दर्शन के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में सिद्ध रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहे हैं। तो दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक सत्तर होंगे उनसे आज आपकी जमकर कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आपके से आपके आपकी जो भावनाएं हैं उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप दोनों में ऐसी कोई लड़ाई हो सकती है जो कि बहुत आगे बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वह पर सिद्ध जल के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में सिद्ध रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक है। खास करके डॉक्यूमेंटेशन की कोई बात हो तो उसके बारे में थोड़ा सा सजग रहना आपको ज़्यादा आवश्यक होगा। उसके बारे में ही छोटी मोटी बातें या कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस में दिन गुजर सकता है, हालांकि स्ट्रेस थोड़ा सा इतना ज़्यादा होगा कि पूरा जो दिन है आप काम में बिजी रहोगे और इसी वजह से चिड़चिड़ापन भी दिखाई देगा। तो ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं, एक दो दिन में जो बातें हैं नॉर्मल भी हो जाएगी। इसके बाद की जो राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही पर सिद्ध दर्शन के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ भाव में सिद्ध रवि के साथ चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो आज का जो दिन है आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। आज के दिन आपके खर्चे भी अंधाधुंध हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हैं तो किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। आज आपका जो पूरा दिन है वह और आपका जो मूड है वो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपके भावना के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। सिर्फ ये जो मैंने बात की वो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही है, तो उसका ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था दिनांक 1 फरवरी के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मंड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।